तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम में हम लोग काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो बना रहे हैं। भाई साहब, आप लोग जानते हैं वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी वजह से वीडियो में इस बार 2 वीक बाद ये वीडियो आई है। मुझे मालूम है कि आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों, मतलब कि मैं इतना लेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस बहुत सारा रीज़न है जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो खैर वो सब छोड़ते हैं। बट आज की इस वीडियो में भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस, इतना सारा जो है हमारे पास है ORSL का कार्टून ही मैंने लेकर आया। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं भाई हमारे पास है ORSL। ठीक है, तो आप लोग सोचते होंगे कि इस ORSL का मैं क्या करने वाला हूँ। तो गाइस कुछ दिनों पहले हमने फेविक्विक के साथ कुलीन को मिक्स किया, फिर फेविक्विक के साथ हमने डिटॉल को मिक्स किया, फिर आज मॉर्निंग में मैं जब सो रहा था तो दिमाग में आया क्यों ना फेविक्विक के साथ ORSL को भी मिक्स किया जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भाई साहब फेविक्विक के साथ ORSL को मिक्स करने वाले हैं और देखते हैं कि आखिर क्या नया सा धमाल कमाल होता है। चलिए जल्दी से हम अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइज अब क्या करते हैं भाई साहब, इस ORSL को हम लोग अब इस ग्लास के अंदर डालते हैं और फिर उसके बाद से देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस स्ट्रो को हमने निकाला और फिर इसकी मदद से इसके अंदर एक होल कर दूंगा, क्योंकि इसे ऐसे करके भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी आई थिंक। ठीक है, ये भी अच्छा जुगाड़ है भाई, बट इस तरह थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से पहले इसको ऐसे ही जो है इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो गाइस फाइनली ये रहा हमारा एप्पल जूस। ठीक है, यानी एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, अब इसके अंदर भाई हम लोग इस फेविक्विक को डाल के देखते हैं कि आखिर क्या होता है। आई थिंक कुछ नया देखने को मिले, बट क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, 3, 2 एंड ये रहा 1। OMG गाइस, यार आप लोग देख सकते हैं भाई कितना अमेजिंग तरीका से जो है ऊपर इसका जो है बना हुआ है, और नीचे आई थिंक कुछ बना भी है कि नहीं ये तो नहीं मालूम। साइड से आप लोग देख सकते हैं, इधर से आपको ऐसे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं भाई, ये कुछ अलग तरीका का कुछ बना हुआ है। ठीक है, इसमें बट क्या है ये मुझे नहीं मालूम, इससे मैं चेक करता हूँ। ओ भाई ये क्या है गाइस, ये कुछ अलग तरीका का है भाई। पिछले बार जो हम लोग डिटॉल को डाले थे तो वो कुछ हार्ड बना हुआ था, इसमें कुछ देर ऐसे रहने देता हूँ मैं। ठीक है, तो गाइज आप लोग देख सकते हैं भाई ये जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल का चीज़ बना हुआ है इसके अंदर, क्योंकि जब हम लोग डिटॉल को डाले थे पूरा डिटॉल भाई फ्रीज हो चुका था और कुछ मतलब कि जो है सॉफ्ट तो नहीं बोलेंगे भाई, वो मतलब कि जो हार्ड टाइप का कुछ बन गया था। ठीक है, और फिर जब हमने कुलीन के साथ किया था तो सेम रिएक्शन हुआ था, बट भाई एप्पल जूस के साथ सेम रिएक्शन तो नहीं हुआ, ये कुछ अलग है। ठीक है, तो पहले तो इसे हम लोग दूसरे ग्लास में जो है डाल करके चेक करते हैं। ठीक है, कि ये क्या है भाई, और काफ़ी ज़्यादा अलग तरीका का ये चीज़ है। OMG भाई ये क्या है, ये गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना अजीब तरीका से जो है निकल रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं भाई, ये जो है एकदम जो है कुछ अलग ही टाइप का है भाई, और ये जो थोड़ा गर्म भी हो गया है भाई, माई गॉड गाइज आप लोग ये देख सकते हैं नज़दीक से ही से आप लोग देख सकते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है भाई, मेरा हाथ को फ्रीज करने लगा यार ये तो। ओ हो भाई ये मैं क्या कर दिया यार, ये काफ़ी ज़्यादा ये है और ये जो हाथ को चिपका रहा है भाई, और गरम गरम इसमें से निकल रहा है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये धुआं भी इसके अंदर से आ रहा है भाई, ये हाथ से टच नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब गाइज इसे मैं जल्दी से ठीक करता हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं अभी जल्दी से इसे ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि आखिर इसे ठीक कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, और ख़ास करके हाथ तो बिल्कुल भी ना लगाइएगा, क्योंकि हाथ लगाने से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है जैसे मुझे हो रहा है। बट मुझे मालूम है फेविक्विक को अगर हाथ से चिपक जाए
या फिर भी कुछ हो जाए तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये आप लोग के सामने करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस इंजॉय किया कीजिए, घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हम लोग 2000 के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।